do the questions which you have for regarding this course of ours. Which questions do you have? Yeah, Subhash, Shiva, and Vikas. Shiva, are you there? हाँ, you can ask in Hindi as well. मरा हिंदी में भी पूछा तो इसका कुछ problem नहीं है. Question question होता है. Message pass हो गया तो बस it's more than enough. है ना, आप किसी भी language में करो आप, it's language का कुछ barrier नहीं है. Yes, so देखिए मैं अभी ना कुछ आपको examples दिखाता हूँ. ये कुछ logos है, आपने देखे रहेंगे. जैसे ये लोगो जो है ना, ये लोगो है, ये बुरा लोगो कहा जाता है, खराब लोगो कहा जाता है, क्योंकि आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा लोगो जो है वो डाउनवर्ड दिशा में है. दिख रहा है आपको सभी को? लेट मी चेक whether it's visible to you guys or not. ओके, स्टॉप शेयर. ओके, सो दिस इज, मतलब ये एक लोगो है जो खराब लोगो है, क्योंकि आप देखो कि पूरा का पूरा लोगो निचली तरफ जाता है. ये एक लोगो है जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे भी ये लोगो खराब कहा जाता है, खराब माना जाता है ना. तो ऐसे कई सारे लोगो है जो खराब कहलाते हैं. ये एक लोगो देखो, भूषण, ये भी एक खराब लोगो है, ये भी कंपनी बंद हो गया है ना. तो ऐसे काफी सारे टेस्टिमोनियल्स भी हमारे पास है, पर मैं चाहूंगा कि आपको देखो कि क्या पोटेंशियल है. जब अपन हम लोग लोगो डिजाइन की बात करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल डू वी हैव. सी इफ यू नो व्हाट काइंड ऑफ पेमेंट पीपल कैन पे यू फॉर द लोगो डिजाइनिंग. तो देखिए यहाँ पे लोगो डिजाइनिंग 50,000 रुपीज का बिलिंग हुआ है. Then another case, logo designing, we are getting charged 50,000 rupees. अगर आप past की बात करो तो past में भी देखो people are paying around, you know, around another approximately 50,000 rupees for this as well. ये देखिए, मतलब the kind of payment people pay is around 50,000 rupees you get easily paid. So this is what the potential of the scientific logo designing. अगर आप करते हो, आप सीखते हो. ये क्यों पीछे जाता है, ये कौन सा हो गया, डिटेक, और उसके बाद इफ आई क्लिक मोर. सो ये पोटेंशियल है. तो देखो अगर आप इस फील्ड में हो, ये कौन सा है, पद्माटेक, अगेन 50,000 रुपीज वी चार्ज है ना. सो यहाँ पे देखो, दिस इज 15,000 फॉर सूर्या ट्रीट लास्ट ईयर. देन यू नो, सो अगर आप देखो तो यू गेट इजिली पेड वेल फॉर दिस साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग. तो अगर आप इस फील्ड में हो, ऑकल्ट साइंसेस की फील्ड में हो, और आप चाहते हो कि आपका पैसा इनकम बढ़ जाए, तो सबसे इजी तरीका है कि आपने साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग फील्ड में जाना चाहिए. एज सिंपल एज दैट. हाउ कैन, वो तो सीख जाओगे आप, मैं तो आपको सिखा दूंगा कि वास्तु से कैसे कनेक्ट करना है, एस्ट्रोलॉजी से कैसे कनेक्ट करना है, ग्राफोलॉजी से कैसे कनेक्ट करना है, कलर थेरेपी से कैसे कनेक्ट करना है. तो ये सब तो सीखने वाली बात है, ये आपको करना है. तो ये साइंस है, ताकतवर साइंस है काफी, यू नो, इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग. और देर इज अ वे कि बाकी किसी ने ये काम नहीं किया है. मैंने काफी आरएनडी किया है, पिछले 10 साल आरएनडी किया है मैंने इस टॉपिक के ऊपर. बहुत ही बड़े पैमाने पर हमने ये किया है उसको. वी हैव बीन एबल टू डिकोड इट at very large extent. ठीक है, हम लोग देखो, we are very very few people right now. So can you all just unmute and speak, you know, so that unmute करके बात करेंगे तो सबको पता चलेगा कि सबके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं.
तो इसमें हम लोगों ने ऑफर ऐसा रखा है कि जो जो लोग ये कोर्स को ज्वाइन करने वाले इस बार, उनको हम लोग दो लोगों में मदद करने वाले, एक लोगो तो हम खुद बना के देंगे, एक लोगो जो है हम खुद बना के देंगे उनको, और एक लोगों के लिए हम लोग असिस्ट करेंगे। तो ये विद इन 60 डेज इफ दे कम फॉर द कोर्स दे गेट दिस अपॉर्चुनिटी। यस गाइस, ये क्वेश्चन आंसर सेशन अभी का। सेम हियर सिम्स सम टेक्निकल इश्यूज एट माय एंड, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, लेट मी अनम्यूट। ओके सो सॉरी। ओके नाउ यू ट्राई, अभी अनम्यूट हो जाएगा आपका, अभी देखो ट्राई करो। यस विकास, इसके लिए अभी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से आना जरूरी है क्या? नहीं नहीं हम लोग ना आपको शॉर्टकट बताएंगे, एक शॉर्टकट तरीका है लोगो डिजाइन करते समय, विदाउट नोइंग न्यूमरोलॉजी, विदाउट नोइंग एस्ट्रोलॉजी, विदाउट नोइंग वास्तुशास्त्र भी, आपको ये शॉर्टकट, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, आपको स्पून फीडिंग कर रहे हैं। देखो दो तरीके से ये काम होता है, एक तो है कि आपका एनालिसिस परफेक्ट जाना चाहिए, आपका एनालिसिस सटीक हो गया, आपका एनालिसिस टू द पॉइंट हो गया, आपका एनालिसिस में अगर आपने प्रॉब्लम को पकड़ लिया तो आपको काम मिल जाता है। फिर एनालिसिस करने के लिए जो शास्त्र है वहाँ आपको सिखा देंगे, और उसके बाद जिस कारण, जिस शास्त्र के कारण रिजल्ट आता है, जिस लॉजिक के कारण रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट कहीं उसका लॉजिक कुछ और है, तो वो हम आपको गोली की तरह देंगे कि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये गोली देना है, अगर वर्कर का प्रॉब्लम है तो ये गोली है, काम का प्रॉब्लम है तो ये गोली है, पैसे का प्रॉब्लम है तो ये गोली है ना, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, बहुत काम करने के बाद ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो फिर ये गोली है। तो हम आपको ना वो मॉडल बना के दे देंगे कि कैसा केस आता है तो क्या करना चाहिए, अगर ये कैसे तो ये सोल्यूशन है, ये कैसे तो ये सोल्यूशन है, ये कैसे तो ये सोल्यूशन है। तो इसमें आपको लॉजिक, मतलब आपको नॉलेज रहे ना रहे, हम लोग जो बेसिक से उसके हिसाब से जाने वाले, ज़्यादा एडवांस नॉलेज नहीं यूज करने वाले, लेकिन शॉर्टकट से जो आपको आपको बता देंगे आपने क्या उस शॉर्टकट को फॉलो करना है। दो तीन मेथड्स हैं, अगर एस्ट्रोलॉजी का नहीं जम रहा है तो छोड़ दो, अगर वास्तु का नहीं जम रहा है तो छोड़ दो, ग्राफोलॉजी और कलर थेरेपी वो तो हम लोग सिखाने वाले फुल फ्लेज, तो उसका यूज करके भी आप रिजल्ट दे सकते हो। और चार्जेस और ड्यूरेशन क्या होगा? अभी इसका जो चार्ज है वो है 25,000 रखा है हमने, 25,000 दस दिन का है, और रात को 9 से 11 होने वाला है, मंडे टू फ्राइडे 10 दिन चलेगा। ठीक है, और उसमें ये दो एडवांटेज आपको, सिक्स विद इन 60 डेज इफ यू ट्राई टू, इफ यू गेट टू लोगोज, तो हम लोग आपको एक लोगो हम खुद बना के दे देंगे आपको, और एक लोगो में हम आपको असिस्ट करेंगे बनाने के लिए, समझाएंगे लॉजिक क्या रखना है, बाकी आपको बनाने, लेकिन बेसिक जहाँ जहाँ आपको कुछ दिक्कत होती, कटने होती, वहाँ पे यू कैन टेक अवर असिस्टेंस। सो हम चाहते हैं कि आपका बिजनेस चले, हम चाहते हैं कि आप ये साइंस को यूज करके पैसा बनाए और बाकी लोगों की मदद करें, और अगर आप ऑलरेडी ये क्षेत्र में हो, मे बी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, तो ये मस्ट लर्न साइंस है। बहुत कम लोग हैं आज की डेट पे जो इतना कॉन्फिडेंटली आपका काम कर पाएंगे, आपको रिजल्ट दे पाएंगे। अभी जो आप बता रहे हैं वो फैक्ट्री लेवल तक है, छोटे मोटे बिजनेस के लिए भी लोगों कैसे काम करेगा? क्या बोल रहे हो? नहीं, अभी जो आपने जो अभी पहले बताया कि 50,000 के चार्ज किया वो फैक्ट्री लेवल तक, नहीं नहीं इंडिविजुअल लेवल पे है ना, अभी वो पीसूरिया ट्रीट तो क्लिनिक है, ये है मतलब दैट इज द क्लिनिक, ये तो दवाखाना है डॉक्टर का। अच्छा, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे यू कैन चार्ज 25,000 30,000 एज पर यू नो कंफर्ट। जैसे कोई छोटी सी प्रोविजन शॉप है या कपड़े की दुकान है, वो लोगो वगैरह बहुत ज्यादा, बहुत कम यूज करते हैं। अच्छा, तो वहां पे हम लगा के उसको बेनिफिट मिल सकते हैं क्या? जस्ट अ सेकंड, yeah, hold in, if you don't understand anything, just you can ask us again, you know, we will like to make you a part of this. Majority of the people are from the India, so they understand Hindi, so if at all you don't understand, let me know, I will explain you in English as well. Abhika ji, aap kya puch rahe the abhi? Haan, main ye puch raha tha, jaise aap, koi factory nahi hai, choti si, kehne ka matlab ek business hai, kapde ka business ho, या हार्डवेयर हो, तो उनके लिए अंदर समझ लीजिए हार्डवेयर वाला, जैसे आप ये बताया कि लेबर
यस यस हो सकता है. वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स लाइक वर्कर प्रॉब्लम, वॉक इन प्रॉब्लम, और वॉक इन्स नहीं ज्यादा हो रहे, पीपल आर नॉट कमिंग इनफ, वो प्रॉब्लम, सेल नहीं हो रहा, वो प्रॉब्लम वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नहीं तो फिर चेंज करते रहना पड़ेगा या एक साथ में हमको सर कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के बनाना पड़ेगा. नहीं एक एक बार दे दो जब तक कि उसका भूख शांत नहीं होता, जब तक उसको सेटिस्फाइड है वो एक लोगों काम करेगा. नाउ इफ ही वांट्स टू गो टू नेक्स्ट लेवल देन ही विल हैव टू चेंज द लोगो अगेन. एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. एक बार प्रॉब्लम सॉल्व हो गया उसके बाद इफ ही वांट्स टू गो टू द नेक्स्ट लेवल देन अ डिफरेंट काइंड ऑफ लोगो कैन बी मेड इफ रिक्वायर्ड, इफ नॉट रिक्वायर्ड देन इट्स ओके. जैसे आज आपका पैसे का प्रॉब्लम है तो आपका पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व होना मस्ट है. तो आपका पैसा आ गया, सब वर्कर वर्कर अच्छे हो गया, सबका पेट भर गया. अभी आप लोगों को लगता है मेरा कंपनी अभी 10 करोड़ की जगह 100 करोड़ का होना चाहिए, 100 करोड़. तो 100 करोड़ की कंपनी के लिए फिर यू नीड टू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लोगो. तो उस समय भी फिर आपको वापस से लोगो चेंज करना पड़ेगा. फिर पैसे का प्रॉब्लम मेन नहीं रहेगा, फिर आपका टर्नओवर का प्रॉब्लम मेन रहेगा. तो टर्नओवर के लिए जो रिक्वायर्ड है वो आपको लोगो में डालना पड़ेगा. तो इसके लिए वास्तु, जैसे आपने बताया, तो वास्तु भी वास्तु से भी कनेक्ट करना पड़ेगा. जैसे मैं वास्तु से कनेक्टेड हूँ जैसे आपने बताया, तो वास्तु करने के बाद इस चीज को अप्लाई करने से और ज्यादा रिजल्ट आएगा, या वास्तु देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ लोगों से ठीक हो जाएगा? लोगों से ठीक हो जाएगा, वास्तु देखने की जरूरत नहीं है. लोगो अपने अपने बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा यंत्र है. तो बिना वास्तु देखे भी आपने अगर लोगो दिया तो भी वो लोगो उसको रिजल्ट देता ही है, फायदा होता ही. हमने काफ़ी ज़्यादा जगह पे टेस्टिंग किया हुआ है जहाँ पे लोगो इसके इससे मैच नहीं हो रहा था. किससे? लोगो वाज नॉट मैचिंग, मतलब वो उसके कुंडली से मैच नहीं हो रहा, उसके वास्तु से मैच नहीं हो रहा, फिर भी वो अपना रिजल्ट दे रहा है. तो लोगो क्या है, अपना रिजल्ट देते रहता है. ये मतलब बहुत ही अलग है और अलग तरीके से इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे वो रिजल्ट दे देता है. तो एक्चुअली द ओनर से आप लिंक करते हैं या गांव से लिंक करके बनाना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है? जैसे कोई दो या तीन पार्टनर्स हैं तो उनके लिए लोगों कैसे काम करेगा, पर्टिकुलर किसी का हॉरोस्कोप देख के करते हैं या कैसे? अभी दो तीन पार्टनर्स है तो बहुत सारी तरीके हैं. एक तो हॉरोस्कोप में सबसे ज्यादा पावरफुल हॉरोस्कोप किसका है वो देख लो, इफ यू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी. अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं आता है तो फिर अपना जो मैं लॉजिक आपको सिखाऊंगा कि कोई भी लोगो बनाने के समय क्या सोचना है, वो सोच के भी अपने अगर लोगो बनाया तो भी आपको रिजल्ट आ जाएगा. नहीं उसमें बेसिक लॉजिक, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल कि स्विगी का लोगो देखो आप, स्विगी का लोगो, तो स्विगी का लोगो में सबसे ज्यादा जो दो चीजें हाईलाइट होती है सबसे ज्यादा, एक है उसका उसका जो एंगल है नीचे की तरफ का, है ना, वी जो एंगल बनता है वो, और उसका कलर. तो एंगल जो बनता है वो उसने उसका डिलीवरी फास्ट कर दिया, और जो कलर है ना, वो कलर क्या है, वो कलर है ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जिनको खाने में मजा आता है, ठीक है ना. तो ये दो में उसका काम हो गया. दो ही ट्रेड उन्होंने रखे. एक रखा कि कलर कौन सा रखना है, तो कलर ऑरेंज की रख दिया उन्होंने. तो उसमें सर नो साउंड एंड वीडियो ऑडिबल, आई एम ऑडिबल राइट नाउ? यस नाउ. ओके ग्रेट ऑसम. हाँ तो हमने हमारी जो बात चल रही थी अभी वो बात इस बात की चल रही थी कि जस्ट आई वांट टू गुड दिस वन सेकंड समबडी वाज इज कॉलिंग. So sorry guys. Okay, so the questions which we are asking. दो तीन partners के बारे में. हाँ दो तीन partners. So it's like you know, अगर इसकी बात करें स्विगी, तो स्विगी के लोगों में क्या हो रहा है आप देखो, दो ही चीज है. एक तो है एंगल बनता है बैकग्राउंड में, जो बॉटम में एंगल आता है वो, और दूसरा है उसका कलर. ये दो में उसका काम हो गया है. कलर क्या करता है, उसको ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों का अट्रैक्शन हो जाता है, ऐसे लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं उनकी तरफ जो कि खाने के शौकीन है, द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन फूड. और जो एंगल है नीचे की तरफ वो क्या कर देता है, वो डिलीवरी को फास्ट कर देता है.
तो इसके केस में क्या हो गया कि दे फोकस्ड ऑन द डिलीवरी पार्ट, कि डिलीवरी कौन सा होना चाहिए और कौन से इंसान ने अट्रैक्ट होना चाहिए, ये दो में उसका काम हो गया। तो सिमिलरली कई बार क्या होता है, आपको ना कुंडली देखने की जरूरत पड़ती है ना वास्तु देखने की जरूरत पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ ये जो लॉजिक है कि उसका बिजनेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सब में आपका काम हो जाता है। कैसा कौन से एरिया में वो काम करने वाले हैं, है ना, और वो ये सब चीज हम लोग डिस्कस करने वाले कि मतलब बिजनेस में क्या क्या सिनारियोज आते हैं, कौन से सिनारियो में क्या क्या सॉल्यूशंस आपको देने चाहिए, वो सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम्स कैसे ढूंढने चाहिए, है ना। तो काम तब मिलता है जब आपका एनालिसिस अच्छा होता है, तो एनालिसिस अच्छा हो जाएगा और उसके बाद रिजल्ट के लिए हम लोग आपको कुछ शॉर्टकट्स दे रहे हैं, वो शॉर्टकट्स यूज करेंगे तो आपका उसका किसी भी लोगों का आपको रिजल्ट देना भी बड़ा ईजी हो जाएगा। और हमारा सपोर्ट है, पहले पहले जो दो केसेस आप करने वाले हो उसमें हमारा सपोर्ट आपको रहेगा विदिन द 60, ओनली प्रॉब्लम इज यू नीड टू गेट वर्क विदिन 60 डेज, है ना। जैसे कोर्स खत्म होता है 60 दिन तक आपने कोई भी काम लेके आओ तो हम आपको मदद कर देंगे उसमें कोई भी दो काम। और नॉर्मली जो हम चार्ज करते हैं वो हम कम किया, जैसे देखा है मैंने आपको 50,000 वगैरह ऐसे हम लोग चार्ज करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही विन विन सिचुएशन है, हम लोग आपको सिखा भी रहे हैं, आपको मदद भी कर रहे हैं, है ना, आपका बिजनेस चला रहे हैं, सभी चीजें कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल डील है आप करना चाहो तो, क्योंकि आपके किटी में एक ऐसा शस्त्र आ जाएगा, ऐसा एक तरीका आ जाएगा जिससे आप महीने का 1-1.5 लाख रुपया हर महीना इजिली कमा सकते हो उसमें। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना लॉजिक यूज करना है, आपका आपको अपना सिर्फ जो सीखा है उस नॉलेज को यूज करना है, आपको फिजिकली कुछ काम तो करना नहीं ना इसमें, राइट। अच्छा किसी का प्रश्न डाला था वो चला गया, जरा नेटवर्क का कनेक्शन खराब था, बट इफ एट ऑल यू Yes, guys, any questions? So, इसके लिए कंप्यूटर की नॉलेज जरूरी है या हाथ से लोगों? देखो हम या हम लोग ना लोगो डिजाइनर नहीं है, समझ लो आप मैं जो है हम लोग ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर है, तो हम लोग लोगो डिजाइनर नहीं है, तो लोगो तो डिजाइन आपको बाहर से करवाना पड़ेगा, लेकिन वो डिजाइन करते समय उसका कलर कौन सा रहना चाहिए, शेप कौन सा होना चाहिए, प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, फॉन्ट क्या होना चाहिए, वो सब डिजाइन आप करेगा, वो आप बताओगे और वो सामने वाला करते जाएगा। अगर आप खुद को सीखना तो खुद सीखो, मैं मतलब मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, तो मैंने खुद ने कभी सीखा नहीं, वो मेरे पास इनहाउस आदमी है और मेरे पास 7-8 फ्रीलांसर्स है जो मेरे लिए काम करते हैं, उनको सभी को मेरा टेस्ट पता है, तो मैंने बोल दिया कि अरे ये ऐसा लोगो बनाए तो लोगो उसी तरह से बन के आ जाता है जैसे मुझको चाहिए, है ना। आपको सीखना है तो यू कैन ऑलवेज लर्न, बट आई डोंट रिकमेंड, आप यू शुड नॉट बी अ ग्राफिक डिजाइनर, यू शुड बी अ साइंटिफिक लोगो डिजाइनर। तो आप ऐसे भी बोलते हो कि आई शुड बी अ साइंटिफिक लोगो एनालिस्ट, ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये बहुत पावरफुल है देखो, और वापस से हम लोग शायद ये करें ना करें, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे पास काम इतना ज्यादा है कि हम सोसाइटी को सर्व नहीं कर पा रहे हैं लोगो बना के, तो ये नॉलेज ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, तो हमने सोच रहे कि ये नॉलेज लोगो में बांट दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका यूज करके कंपनी को ठीक कर पाए ना। कंपनी मतलब कई सारी कंपनीज है, मतलब लाखों करोड़ों कंपनीज है जिनकी लोगो खराब है, और अगर आपका थोड़ा भी कनेक्ट अच्छा है बिजनेसमैन के साथ तो दिस इज द मस्ट लर्न साइंस। थोड़ा भी आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, जान पहचान अच्छी है, तो बहुत पावरफुल साइंस हो जाएगा आप सबके लिए। ये सीखता है, कुछ क्वेश्चन है आपका? यस नरेंद्र जी, विशाल, वीरेन, सचिन, राहुल, शिवा, विकास, विकास तो पूछ रहे हैंडसम पे मिलता है, काफी अच्छा पे मिलता है, आपने सुना रहेगा जिस ने फ्लिपकार्ट का लोगो बनाया, फ्लिपकार्ट हाँ फ्लिपकार्ट उसने शायद 2 करोड़ रुपया कुछ चार्ज किया, तो आई डोंट नो वेदर राइट नाउ यू विल गेट पेड लाइक दैट और नॉट, बट
जितना फेमस होगी उतना इनकम जो है वो काफी बढ़ता है इसमें. वी स्टार्टेड विद 5000 यू नो 10 इयर्स बैक. नाउ वी चार्ज 50 प्लस ऑल द टाइम एंड पीपल पे. यस कौन है वीरेन अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं. वीरेन जी यू कैन ऑल अनम्यूट. ओके वीरेन सी इफ यू कैन अनम्यूट. अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो ये औकड़ का काम कर रहे हैं, जो है जो इधर न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, कितने लोग हैं आप में से? वो वाला अदर. हाँ बोलिए. मैं वास्तु कर रहा हूँ सर. हाँ आप तो आपने बताया आप वास्तु कर रहे हो. तो देखो वास्तु का भी तो मतलब ऐसे ही बिलिंग बड़ा होता है, इसका भी बिलिंग बड़ा होता है. क्या बोल रहे हो आपने जैसे बताया पहले 5000 लेता था और आज 50,000 ले रहा है. करेक्ट. तो मैंने 3 साल पहले चालू किया है. तो 1000 आई वाज चार्जिंग एट फर्स्ट. नाउ आई एम चार्जिंग अराउंड 10 to 15,000. हां भाई वही बोल रहा हूं ना, धीरे-धीरे आपका नाम बढ़ता है, लोगों को रिजल्ट आता है, आपका रेफरेंस होता है. जैसे जैसे रेफरेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका इनकम बढ़ते जाता है. बस ये ओपनड वाला तो भाई रेफरेंस ही होगा. हाँ रेफरेंस ही होगा, पूरा का पूरा बिजनेस रेफरेंस का बिजनेस है. हाँ. और एक आदमी को अच्छा रिजल्ट आता है ना तो 10 आदमियों को जाके बताता है. बस, बस, बस. है ना वो है. और दूसरा है कि मैं तो पार्ट टाइम करता था, मैं तो फुल टाइम अभी 2 साल पहले चालू किया. मैं 2018 में चालू किया फुल टाइम. तो 2018 में मैंने 15-20 हजार में लोगों करता था. 2019 में 25-30 में हो गया. अभी हम 50 प्लस चार्ज कर रहे हैं. ये फुल टाइम करो तो बहुत अच्छा है. फुल टाइम अगर 30 दिन आप मेहनत करते हो उसके ऊपर तो 1.5 लाख इज नेट इनकम यू नो मिलता है पैसा. यस राहुल आपको कुछ पूछना है? सर इन 10 डेज विल बी एबल टू लर्न एवरीथिंग सो दैट वी कैन स्टार्ट डिजाइनिंग द लोगो. यस यू विल बी. क्योंकि क्या है ना आपका जो जर्नी है वो मेरा 300 प्लस हो गया लोगो नंबर ऑफ लोगोस. तो आपको जो जर्नी है वो मैं 10 साल का मेरा जर्नी है वो मैं आपको 10 दिन में सिखा दूंगा. और वो आपके उस वीडियोस भी रहेंगे, आप वापस से भी उस वीडियोस को देख पाओगे, रिपीट कर पाओगे करना है तो. और नॉलेज आपको मिल जाएगा, मतलब जिस अप्रोच से आपने सॉल्व करना है वो अप्रोच आपको गोली दे रहे हैं ना हम लोगों तो टेस्टिंग कर लिया है ना. फॉर एग्जाम्पल अभी देखो कोरोना चल रहा है, कोरोना के ऊपर R&D चल रहा है. तो R&D को 2 साल लगेंगे और एक वैक्सीन निकल जाएगा. और वैक्सीन आपको एकता जी वैक्सीन आपको अगर देते हो तो वैक्सीन देने को कितना वक्त लगता है आपको, वैक्सीन को लेने के लिए कितना वक्त लगेगा आपको? या एकता जी अगर आपको वैक्सीन देते हैं हम लोग तो कितना वक्त लगेगा वैक्सीन लेने में आपको? वैक्सीन के बाद तो वी गेट ट्रीटेड. नो पर वैक्सीन देने को लेने को कितना वक्त लगेगा आपको? Hardly few minutes. और R&D के लिए कितना वक्त लगा? It may take years. हाँ तो मेरा जो R&D है वो हो चुका है. हम आपको वैक्सीन बनाया वैक्सीन देने वाले कि ये लो और यूज करो. ये प्रॉब्लम है, ये इश्यू है. हम आपको तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सिखा देंगे ताकि आपको काम मिले. काम तब मिलता है जब एनालिसिस का क्वालिटी अच्छा होता है, पिन पॉइंट हो सकता है प्रॉब्लम. तो हम एनालिसिस विल बी टॉट कम्प्लीटली. तो प्रॉब्लम को पिन पॉइंट कैसे करने का वो हम सिखा देंगे आपको. तो अब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी ऑफ द टॉप क्लास. आप देख के बोल दोगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है, ये इंसान के सर में प्रॉब्लम होने वाला है, पेट में होने वाला है या पैर में होने वाला है, पैसे का प्रॉब्लम है, वर्कर का प्रॉब्लम है, किधर प्रॉब्लम जाने वाला है इसको. तो वो अच्छे से आ जाएगा आप. और एक बार आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन अच्छा हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है उसका रेक्टिफिकेशन. उसके लिए हम आपको रेडीमेड सोल्यूशन देने वाले. यू नो ये ऐसा प्रॉब्लम है तो उसका ये सोल्यूशन, इसका प्रॉब्लम है इसका ये सोल्यूशन. बहुत एक्चुअली ये बहुत सिंप्लीफाइड साइंस है. इसके लिए उनका कॉन्फिडेंटली आपको बता रहे. अभी आप लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है, इसके लिए लगता है कि क्या हो पाएगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट है बहुत ईजी. आपने कहा वैक्सीन है लेकिन
MBBS करने के लिए तो टाइम लगता है सर। वो इसके लिए तो आपको हमने चुना है ना, आपको क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि आप तो ऑलरेडी MBBS करके बैठो ना। मैं नए आदमी को कहा बोलो ये करो, मैं तो बोलो जिसका ऑलरेडी इस फील्ड में प्रैक्टिस है, जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु एक्सपर्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, ग्राफोलॉजिस्ट है, उनकी बात करो जो ऑलरेडी इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन लोगों का क्या अगर ग्राफोलॉजी का नॉलेज है तो वो सोने पे सुहागा, एडवांटेज है, नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर नॉलेज है तो वो एडवांटेज है। And what if we miss some session? वो तो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग आपको दे रहे हैं ना, हम लोग शेयर कर रहे हैं, लाइफ लॉन्ग एक्सेस है आपको तो। जब तक उसमें we are unable to understand something or need to discuss, so will you be available to discuss any point? See now, अगर आप सीरियस हो ये कोर्स के बारे में तो डोंट मिस एनी सेशंस, बिकॉज़ दिस इज द लाइफ फॉर यू, एंड दिस सेशन दिस थिंग इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। आपका पूरा सोचने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका, आपका पूरा बिजनेस का इनकम, ये सब चेंज होने वाला है इस साइंस के कारण। तो अगर आप अभी से ये सोच रहे हो कि मेरा मिस हो जाएगा तो प्लीज डोंट डू इट। हाँ, पर उसके बावजूद भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस से अगर मिस हो जाता है एक आधा सेशन, तो वो सेशन का वीडियो आपको तुरंत मिल रहा है ना। आज का आज मिस करते हो तो कल मिल रहा है आपको देखने के लिए, कल देखो परसों प्रश्न क्वेश्चन पूछ लो। एंड आपको दो महीने का सपोर्ट भी तो है ना, दो महीने में आप अगर कोई भी दो लोगों को लेके आते हो हमारे पास बनाने के लिए, तो उसमें तो हम आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं। हम आपको एनालिसिस क्या करना है, उसका रेक्टिफिकेशन क्या करना है, उसको वो सब आपको भी सिखाने वाले, आपके साथ हम लोग भी काम करने वाले, ताकि आपको अनुभव आ जाए कि इसका काम। तो दो महीने तो वैसे ही असिस्टेंस है ना, तो अगर उसमें आप अगर अपना प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हो तो फिर बाद में इट विल बी पेड। दो महीना जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर आप कोई प्रॉब्लम लेके आते हो, चैलेंज लेके आते हो, तो वो आपको मेरा टाइम बाय करना पड़ेगा, समय खरीदना पड़ेगा, एक मीटिंग होगा, उस मीटिंग में वी कैन डिस्कस योर क्लाइंट्स केस, पर सपोर्ट रहेगा। लेटर आफ्टर टू मंथ्स इफ सपोज वी वांट टू डिस्कस समथिंग और सम लोगो, तो हाउ मच वुड बी द फीस फॉर दैट पेड सर्विस? तब का तब ना, अभी आज तो नहीं है डिसाइडेड, आज ना आपके पास केस है ना मेरा कुछ चार्जेस मैंने डिसाइड किया। लेट अस फर्स्ट कंप्लीट द फर्स्ट टास्क, लर्न हाउ टू सॉल्व द इश्यूज ऑफ इंडस्ट्री, पहला ये सीख देंगे। मेरे को लगता नहीं कि मैं जिस तरह से आपको सिखाना वाला, जिस तरह से मैंने प्लान किया कि आपको तकलीफ जाएगा, है ना। आपको अगर आपको सपोर्ट चाहिए ना, तो हमारा जो सिस्टम है हम आपको लोगों बना के भी दे देंगे। हमारा जो पूरा सिस्टम है जहाँ पे 8 लोग मेरे साथ मिलके काम करते हैं, तो एक तो इनहाउस है, तो अगर वो सपोर्ट चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कॉल एंड यू नो वहाँ से लोगों बना के मिल जाएगा आपको, एक बशर्ते एक फिक्स अमाउंट का चार्ज रहेगा जो आप देते हो, तो हमारा आदमी आपको बनाने में मदद कर देगा लोगों से, है ना। वो सपोर्ट आपको मिल जाएगा, आपको बाजार में मार्केट में जाके लोगों बनाने वाले ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये लोगों को क्या, ये लोगों को मेरा सोचने का तरीका पता है, उनको पता है कि मैं क्या बोलूंगा, तो क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इवन इफ यू टेल देम कि ओके मुझको इस तरह का लोगो चाहिए, तो दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल जस्ट गिव दैट काइंड ऑफ लोगो टू यू, तो वो आपको एक मदद मिल जाएगा। विकास जी आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं लोगों को आपके हिसाब से? जैसे अभी प्रोविजन शॉप है तो रेगुलर ग्रोसरीज में अगर उसका है तो सिर्फ बिल के ऊपर यूज कर सकते हैं या फिर नेम बोर्ड पे यूज कर सकते हैं। या बिल है, बिल है, बोर्ड है, शर्ट है, अपना विजिटिंग कार्ड है, मोबाइल है, मोबाइल है, मोबाइल में अपना डीपी लगा सकते हो, मोबाइल में अपना कवर, एक ये क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन सेवर लगा सकते हो, स्क्रीन रहता है ना वो दिखता है वो, यू कैन यूज दैट मल्टीपल प्लेसेस एज पर योर चॉइस। नहीं, कहने का मतलब अगर बिल बुक्स है तो
बिलबुक्स के ऊपर अभी आप करो करके बोलने के लिए उसके पास वो बोलेगा मेरे पास 50 प्रिंट किया हुआ है या 50, तो फिर वहां पे जरूरी है या नहीं है? वैसे मैं पूछूं, देखो अभी कैसा है, एक ही चीज होनी चाहिए कि आपको करना क्या, आपको ग्रोथ करनी है कि आपको पैसा बचाना है। अगर मैं भी क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, मैंने काफी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो हमने तो 2-2, 3-3 लाख का ये प्रिंटिंग है ना फिकवाया है, फेक दिया है लोगों ने, फेक दिया। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि उनको एक्सप्लेन किया मैंने, जैसे ही उन्होंने मुझको पेमेंट दिया, मैंने उनको उनका लोगो एक्सप्लेन किया कि कहाँ से प्रॉब्लम दिखता है, और एक किसी किसी की इसमें जो था इश्यूज, जैसे यू नो लकवा या फिर यू नो एक्सीडेंट्स, तो जब मैंने उनको दिखाया तो लोगों ने फिर फेंक दिया वो। जब उनको मैंने लॉजिक समझाया कि क्यों उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही, क्यों उनको इतना लॉस सहन करना पड़ रहा है, तो जिनका करोड़ों का व्यापार था, 2-3 लाख का प्रिंटिंग पड़ा हुआ था, फेंक दिया, क्या करेंगे रखे यार, लॉस मेकिंग है ना, मतलब ना रखना प्रॉफिट, 3 लाख रुपए का फेंक दिया तो करोड़ रुपए वैसे ही बच रहे। तो पीपल डू इट, यू नो, व्हेन यू मेक देम अवेयर, जो चैलेंज है, वो तकलीफ है, जो आप जब आप लोगों में से लोगों को बताते हो ना, लोग पैसा देते हैं, लोग ठीक रहते हैं। देखो आपका एनालिसिस अच्छा, देखो डॉक्टर अच्छा है ना, डॉक्टर ने आपके चेहरे की तरफ देख के बोल दिया कि ये प्रॉब्लम है बॉस, तुम्हारा ये तकलीफ है, तो आपने देखो आप इतना सारा वास्तु का काम करते हो, अगर आपका प्रेडिक्शन 100% करेक्ट जाता है तो क्लाइंट पैसे देने के लिए कितना खुश होता है बताओ मेरे को? एक पैर पे खड़ा हो जाता है, बोलता है कितना पैसा चाहिए बोलो, लेकिन मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके। तो सीक्रेट वो है, एनालिसिस ऑफ द लोगो, जिसका एनालिसिस अच्छा उसका रिजल्ट अच्छा। प्रॉब्लम को पकड़ में, और प्रॉब्लम पकड़ में आना बहुत इजी, मतलब हम लोग तो हर रोज 2-3 लोगों का एनालिसिस करते हैं, इट्स वेरी वेरी इजी, इजी इसलिए सिखा रहे, इजी इसलिए कॉन्फिडेंटली बात कर रहे, और इजी था इसलिए नहीं सिखा रहे थे, क्योंकि हम सोच रहे थे हम अकेले करेंगे, अब क्योंकि हमने अच्छा काम किया, लेकिन अभी तो काम ही नहीं कर पा रहे हैं, इतने सारे क्लासेस बैक टू बैक चल रहे, इतने सारे अपॉइंटमेंट चल रहे, इतने सारे मल्टीपल, तो दिस इज द राइट स्टेज, राइट हो गया। अब तक मैं सिखाता नहीं था साइंस का, लेकिन हम लोग काफी सारे क्लासेस जो रन कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते कि अभी ये साइंस भी पॉपुलर हो जाए और लोग उसका यूज करें, क्योंकि मैं अकेला करूंगा तो दुनिया में कितना कर पाऊंगा ना काम। हेल्थ इम्प्रूव होता है, पैसा इम्प्रूव होता है, स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है, वर्कर मतलब एम्प्लॉयज इम्प्रूव होते हैं, वॉकिंग्स बढ़ता है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छा होता है। देखो ये सब प्रॉब्लम हमने सॉल्व की हुए हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन का बहुत यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व किया हम लोगों ने। एक बिल्डर थे, हमेशा जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन के वक्त कागज में प्रॉब्लम, तो उनको मैंने विजिट किया और मैंने बताया उनका लोगों ने करके ये सब तकलीफें जाएंगे, उन्होंने बोला यार बहुत तकलीफ है, इसके कारण पैसा डिले होता है। तो हमने उनका दो प्रॉब्लम सॉल्व किया, एक डॉक्यूमेंटेशन का और एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय अच्छे आते हैं अभी, और कोई भी डॉक्यूमेंट में एक भी गलती नहीं होती, तो अभी क्या उनको पैसा मिलता है टाइम। तो वर्कर का प्रॉब्लम है, उनका ही पैसे का भी प्रॉब्लम सॉल्व किया है ना, अभी पैसा भी उनको हेल्दी अच्छे तरीके से आता है। तो यस शिवा गो अहेड। यस सर, एक्चुअली आई एम प्रैक्टिसिंग न्यूमरोलॉजी फॉर द लास्ट 3 इयर्स, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, दे आर आई गेट द क्लाइंट्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, बट द प्रॉब्लम इज दैट दे आर नॉट पेइंग मी, इट जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज और जस्ट बिकॉज ऑफ माई लोगो, जस्ट आई वॉन्ट टू नो दैट। Seeing the video, that's it, some people don't know how to design the logo. How much are you spending to get the clients? Nothing, sir. I told you, I get the clients through my friends and family members. So that is the issue, no? Yeah. दुनिया में कोई भी इंसान जान, देखो जान पहचान वालों को पैसा देने के लिए बहुत मुश्किल है। जिसने आपको चड्डी में देखा है, जिसने आपने चड्डी में देखा है ना, वो आदमी आपसे कभी ज्ञान नहीं लेगा। तो आप अपने पिता को, अपने माता को कितना, अगर आप MBBS बन जाते हो, PhD ले लेते हो, तो फिर भी आप माता पिता को ज्ञान नहीं दे सकते, ठीक है? राइट। तो आपने पैसा खर्चा करना है, एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए, और अलग जगह पे क्लाइंट को टैप करना चाहिए, तब कहीं जाके आपको पैसे मिलेंगे। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में नोबडी विल लाइक टू पे यू बिकॉज दे हैव सीन यू नो, देखा है ना, आप तो उनके जैसे उनके बाद। अच्छा अगर अगर आप शिवा आप सोचो, अगर मैं सूट बूट ना पहनूं, अगर मेरे YouTube पे वीडियोस ना रहे, अगर मेरे बुक्स ना रहे, अगर मेरा न्यूज़पेपर में नाम ना आए, है ना, तो अगर मेरे 530 के ऊपर स्टूडेंट ना रहे, तो क्या आप मुझको पैसा दोगे?
नहीं दो नो सर या राइट आई एग्री तो इसको अलग भाषा में बोला जाता है ब्रांडिंग तो बिना ब्रांड का तो आप कोई पैसा नहीं देगा पता है मुझको बताओ फाइव स्टार की कॉफी अच्छी रहती है कि रास्ते पे जो आदमी बेचता है उसकी कॉफी अच्छी रहती है बताओ फाइव स्टार नहीं तुमने फाइव स्टार में पिया नहीं इसका मतलब कॉफी तो मैं बता दूं नो नो आई नो दैट बिकॉज़ आई एम टेलिंग ऑफ द ब्रांड नो 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 लेट मी टेल यू ओके अभी मैं अभी फाइव स्टार में जाके कॉफी पी रहा था और वर्स्ट पार्ट यहाँ पे तो रास्ते पे तो कॉफी टेस्टी भी थी फाइव स्टार में मैं गया वेटर ना सब लेके आया दूध अलग से है गर्म पानी अलग से है कॉफी अलग से है वो सब अलग मतलब वहां पे कॉफी भी मुझको मेरा खुद का बनाना पड़ा समझ रहे हो बात को Got it, sir. अच्छा तो समझ लो बात को कि पैसा कौन ज्यादा लेता है फाइव स्टार लेता है क्यों क्योंकि ब्रांड बड़ा है okay. तो तुमको अगर कोई पैसा नहीं दे रहा इसका मतलब तुम्हारा ब्रांड वैल्यू जो है वो छोटा है कम है तुमने ब्रांड नहीं बनाया है okay. तो ब्रांड क्रिएट करने के लिए बहुत पैसा लगता है बहुत आइडियाज लगती है बहुत और ब्रांड एक दिन में नहीं बनता ब्रांड को वक्त लगता है जैसे मैं पिछले 14 साल से मार्केट में हूँ 10 साल में तो मैंने सिर्फ R&D किया है मैं 10 साल पहले मैंने पहले लोगो बनाया था तो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ लोगो एनालिसिस सिखाने के लिए और मेरे पास मेरे पीछे ना अगर मैं अभी चाहूँ तो 350 कंपनीज का हिस्ट्री है जिनका मैंने काम किया हो जितनी बार बाकी लोगों ने ट्राई किया ना उतनी बार तो मैं फेल हुआ ओके है ना बाकी लोगों ने 10 लोगों बनाए 15 लोगों तो उतनी बार तो मैं फेल हुआ यार मैंने गलत लोगो बनाया उतने तो मेरे पूरे करियर में तो बिकॉज ऑफ दिस ब्रांड पीपल पे ये जो 50,000 रुपया ना आपको इसलिए देंगे क्योंकि आप सुधीर कोवे के स्टूडेंट और सुधीर कोवे के टेस्टिमोनियल्स हैं और सुधीर कोवे का आपका आपके पास सर्टिफिकेट है कि ये आदमी का इसका मतलब इसका फ्रेंचाइजी है या इसका स्टूडेंट है तो आपको पैसे मिलेंगे ओके क्योंकि सुधीर कोवे ने बुक भी लिखा है आप मेरा बुक भी दे सकते हो देखो हमने जिससे सीखा ये मेरा बुक तो ये लॉजिक हम लोग यूज करते हैं लोगो बनाने के लिए मैं इनका स्टूडेंट आर यू गेटिंग इट तब कहीं जाके ना 50,000 रुपये नहीं तो खाली 20-25,000 रुपये तो आप 101% चार्ज कर पाओ फॉर लोगो डिजाइन ओके गॉट इट सर ठीक है ना तो पर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में नहीं काम करना है कभी नहीं करना है ओके गॉट इट सर ठीक है और शिवा तुम्हारा वो जो था ना ये ऑफर यही है कि हम एक लोगो भी आपको बना के दे रहे हैं देखो वो लोग जो अभी लेट है ना उनको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से पेमेंट मेरे पास तो काफी है एग्जांपल मैं भी कुछ एग्जांपल ही दिखाऊंगा आपको सर हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा इस ऑनलाइन कोर्स का हाँ सर्टिफिकेट देंगे ना आपको सर्टिफिकेट देंगे आपको ऑथराइज करेंगे काम करने के लिए हमारी तरफ से ये देखिए ये अग्रवर्ती इनका लेटेस्ट हाउ मच कैन वी स्टार्ट इफ द एनालिसिस इज गुड हाउ मच कैन वी स्टार्ट विद फॉर अ लोगो चार्ज या इट हैज टू बी डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट आपको क्या लगता है क्लाइंट कितना वैल्यू देता है आपके नॉलेज को आपके आपके प्रतिमा को आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली यू नो कितना चार्ज कर सकते हो आप 15,000 भी चार्ज सकते हो 50,000 भी चार्ज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर ओन वैल्यू इन द आईज ऑफ द क्लाइंट क्लाइंट आपके नॉलेज को कितना वैल्यू देता है वो बहुत मैटर करता है आपका लोगो जो बना है ये क्या डिपेक्ट करता है ये इसमें क्या ये आपको क्या फायदा करेगा अगर मैं बता भी दूं तो हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू टू टेक अ डिसीजन फॉर द लोगो क्लास तो इसलिए मैंने आपको इसका स्विगी का एग्जाम्पल दिया बिकॉज स्विगी इज वेल नोन ब्रांड एंड यू नो हाउ स्विगी ऑपरेट्स है ना तो स्विगी का एग्जांपल देख के मैंने क्या किया आपका वो डाउट क्लियर करते हैं कि सोचते हैं जैसे अभी स्विगी का लोगों में देखो क्या होता है ऊपरी जो हिस्सा है ना वो हेवी है और नीचे जो है ना वो एंगुलर है थोड़ा सा उसका विड्थ कम है तो एडवांटेज क्या हो जाता है आप कभी भी स्विगी का ऑर्डर करो तो आपको ना ऑर्डर करने के लिए वक्त ज्यादा लगता है ऑर्डर आने के लिए कंपेरेटिवली कम वक्त लगता है समझ रहे बात को तो उनका डिजाइन ही वैसा है तो ऐसे में आपको फेमस एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ बिकॉज यू नो हाउ दे ऑपरेट यू डोंट नो हाउ आई ऑपरेट तो मैं कुछ भी बताऊंगा तो आपको रिलेट नहीं कर पाओगे आप समझ रहे हैं तो स्विगी वाज डिजाइन्ड बाय यू नहीं बट वो जो बनाया उसका लॉजिक जो है मैं आपको समझा रहा हूँ कि इवन दे डोंट नो हाउ इट दे जस्ट मेड इट
और जैसे उन्होंने बनाया वैसे उनका कंपनी बन गया. दैट इज द मैजिक ऑफ द लोगो. जैसा आप लोगो डिजाइन करके देते हो कुछ दिनों में वो कंपनी वैसा फंक्शन करना चालू कर देता है. इसके लिए मैं आपको फेमस का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ इट ऑपरेट्स. यस शिवा, आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो. हाँ बोलो सर. तो इसके लिए मतलब खुद का ब्रांड नेम भी होना चाहिए राइट? इसके लिए फॉर एग्जांपल सी जैसा टोल्ड यू आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट राइट. सो फॉर समझो कि मैंने अपना लोगो डिजाइन किया तो मैं जस्ट एव एग्जांपल शिवा ठीक है. तो जस्ट आई वांट टू नो इफ आई प्रैक्टिस न्यूमरोलॉजी फ्यूचर करना क्या तुमको न्यूमरोलॉजी करना है या साइंटिफिक लोगो डिजाइन करना है? नो नो, आई एम स्पीकिंग ऑफ दिस ओनली. सो आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट राइट. तो समझो मैंने लोगो आपसे डिजाइन किया आफ्टर दिस कोर्स ठीक है. तो आफ्टर दैट आई वांट टू प्रैक्टिस ग्राफोलॉजी वास्तु, कैन आई यूज द सेम लोगो? अभी इसमें दिस इज द क्वेश्चन नॉट रिलेटेड टू द कोर्स बेसिकली है ना. ये क्वेश्चन जो है वो कोर्स में का क्वेश्चन है, कोर्स का क्वेश्चन नहीं. शिवा, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या मैं सेम लोगो हर जगह यूज कर सकता हूँ? या क्वेश्चन जो है ये कोर्स का क्वेश्चन है. ओके 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 ओके, गॉट इट. कितने लोगो होने चाहिए, कितने लोगो यूज कर सकते, कितने लोगो कितने समय के बाद चेंज करना चाहिए, ये सब जो है कोर्स कंटेंट. Yes. Sir, I have done this logo analysis call before also by Milind D. Rajur. लेकिन ultimately उससे मैं analysis भी अभी नहीं कर पा रहा. logo बनाना है तो इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप मेरे से सीखो और last दिन पे आप बोलो कि सर मेरे को मजा नहीं आया, मैं आपके लिए specially बोल रहा हूँ because you already spent the money. अगर तुम बोलो कि मुझको analysis भी नहीं आता और ना ही मैं logo बना पाऊंगा, ऐसा मतलब logo लॉजिक नहीं दे पाऊंगा लोगों कैसे बनाना चाहिए, तो आई विल रिटर्न योर फीस ओनली फॉर विशाल बिकॉज ही हैज डन समवेयर एल्स. आपकी मैं उनका दो दिन का कोर्स है, इतना बड़ा नहीं था. हाँ, अपना बड़ा है, फिर सपोर्ट भी है, आपको लोगो बनाने में मदद भी करने वाले हैं. हाँ, वो नहीं था सपोर्ट, लेकिन बोला थे कि एनालिसिस आप एकदम इजीली कर पाएंगे, लेकिन मैं देखा कि वो इतना इजी है नहीं. आपने को लगता है आप मेरा बुक पढ़ लो ना, बुक में से आपका बुक पढ़ा है मैंने. हाँ, तो आपको कैसा आपका लगा? बुक जिस दिन लॉन्च हुआ था उसी दिन मैंने पढ़ लिया था. हाउ इज द नॉलेज? बुक इज वेरी गुड, लेकिन उसमें भी बहुत सारे चीज मैंने देखा है नहीं. जैसे मेरे एक लोगो मैंने देख रहा था जो है ना पॉलिंग. आपने कितने हजार में वो कोर्स किया? 7000 अराउंड था. बुक के लिए कितना स्पेंड किया? बुक के लिए 300. तो बुक में 300 के हिसाब से ज्यादा नॉलेज है कम नॉलेज है? नहीं नहीं, अच्छा नॉलेज है, बहुत नॉलेज. मैं ना वही तो समझा रहा हूँ, जितना पैसा बुक में बहुत नॉलेज है, बुक है भी बहुत अच्छा. थैंक यू वेरी मच. तो उसमें भी हमने एनालिसिस के लिए ऊपर ज्यादा फोकस किया है, और वो भी हमने क्या है एक जनरल एनालिसिस रखा है, क्योंकि उसके आगे जाने के लिए ना आपको असिस्टेंट की जरूरत रहेगी, क्योंकि उतना लिख पाना बहुत मुश्किल है. मतलब इट्स वेरी हां, वो मैं देखा और ऐसा बुक है भी नहीं. लोगों पे मैंने बहुत चेक किया था, लेकिन लोगों एनालिसिस पे कोई भी कहीं भी बुक है अवेलेबल ही नहीं. दुनिया का पहला बुक है वर्ल्ड्स फर्स्ट बुक ऑन लोगो एनालिसिस इन साइंटिफिक वे. उसमें भी हमने सिर्फ दो ही चीजों पे फोकस किया, कलर्स और शेप्स, है ना. तो बुक में हमने और भी इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है बहुत इंफॉर्मेशन है. जैसे नाइकी का मैंने नाइकी का लोगो आप जो बताए हैं एरो जो टिक मारा, तो फिर मैं यस का लोगो एनालिसिस करा था, उसमें टिक ऊपर में मारा हुआ है, तो उसका मतलब होता है फाइट विद गॉड. ये तो कहीं पढ़ा नहीं था, उसमें लिखा हुआ था. क्या यस बैंक का लोगो में टिक जो मारा हुआ है वो ऊपर की तरफ मारा हुआ है, जहाँ आपका किताब में लिखा हुआ था कि ऐसे अगर टिक मारा हुआ रहता है तो ये फाइट विद गॉड हो जाता है, और यस बैंक का हालत इसीलिए एकदम देख के खराब होते है. तो गॉड की तरफ नहीं है यस बैंक का, जो है ना वो मैनेजमेंट के साथ है. यस बैंक जो है ना वो ऊपरी की तरफ नहीं है, वो बीच में है. तो यस बैंक का बहुत सारा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो कस्टमर के साथ होगा और मैनेजमेंट के साथ होगा. मतलब वो टिक को उसको ठीक करना चाहिए सबसे पहले. नहीं और भी ज्यादा लोचे है, और कई सारी जगह पे दो तीन जगह पे गड़बड़ है उनका. मेरा एनालिसिस है, यस बैंक का एनालिसिस किया हुआ, बेसिक एनालिसिस मेरे यूट्यूब पे है. ओके. हां, तो विशाल आप क्या करते, क्या हो वैसे, व्हाट डू यू डू? मेरा ऐसे बहुत बिजनेस है आपका, मोबाइल फोन का फ्रेंचाइजी और एयरटेल का भी फ्रेंचाइजी है.
लेकिन मैं इस फील्ड में भी बहुत सालों से हूँ, जैसे मैं हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हूँ, तो हैंडराइटिंग एनालिसिस ये सब करता हूँ, हैंडराइटिंग का थेरेपी भी करता हूँ। तो मैंने हैंडराइटिंग ऐसे ऑनलाइन कोर्स किया था, फिर मैंने बार्ड बैगेट का यूएस सर्टिफाइड कोर्स किया। ओके, कितना पैसा दिया? और 40,000, हाउ मच? नहीं, वो मेरे को बहुत कम में उस समय मिल गया था, 40,000-50,000 में उनका एक पुणे में। हाँ, वो हम लोग जो है ना, वो कोर्स, उस कोर्स से दुगना नॉलेज हमको 5,000 रुपए में देते हैं हम लोग। 5,000, क्योंकि हमारा जो इच्छा है ना, we want to really help lot of people, masses में मदद करना है। हमारे देखो पिछले 2 महीने में we have crossed 130 students, है ना? Okay. तो हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो, ये नॉलेज फ्री में दे, ऑलमोस्ट फ्री में, पर इतना चार्ज करें कि उनको उसका वैल्यू रहे। और उसके बाद नहीं चार्ज करेंगे तो, हाँ, तो कोई वो करेगा भी नहीं। So we give 50 घंटे का कोर्स हम लोग, we are only asking only for 5,252 rupees, 50 hours of course, ताकि लोग पढ़े, सीखे और उसका फायदा करके। क्या बोल रहे सर, 50 घंटे का कोर्स, इसमें सिग्नेचर पूरा कवर हो जाएगा और हैंडराइटिंग कवर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5,252। ओके, हैंडराइटिंग का जो कोर्स है, हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर बोथ। ओके, हर तरह का सिग्नेचर और हर तरह का हैंडराइटिंग, क्योंकि हमारा इच्छा क्या है कि ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, ज्यादा लोगों की मदद करनी है, ज्यादा लोगों को वो रिजल्ट देना है। तो वी आर नॉट केयरिंग फॉर मनी, वी जस्ट वांट टू रीच टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो मतलब वैल्यू विल बी ऑलवेज मोर, जैसे आपको 300 रुपए में जो वैल्यू मिला ना, वैसे ही वैल्यू विल बी ऑलवेज मोर देन व्हाट यू आर गोइंग टू पे। जैसे आपने जिन किसी व्यक्ति का नाम लिया, उन्होंने आपको ना एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात किया, ना वास्तु के बारे में बात किया, करेक्ट? हाँ, नहीं किया। और मेरे हिसाब से इसका भी बात नहीं क्या रहेगा, सैक्रेड ज्योमेट्री का भी बात नहीं क्या रहेगा। नहीं नहीं, सैक्रेड ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत कराया था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हम सैक्रेड ज्योमेट्री का बात करने वाले, एस्ट्रोलॉजी का बात करने वाले, और वास्तु का भी, क्योंकि बिना इसके आपका लोगों का काम अधूरा है। जो वहां सीखा, एक तो गोल्डन रेशियो था, आपका कलर था, फॉन्ट था, शेप्स था। गोल्डन रेशियो, चलो ठीक है, बहुत छोटी बात है, उससे बहुत बढ़ के बहुत सारी चीजें जो आपको मिल जाएगी। यही वहां सीखा, लेकिन बाद में देखा गया कि मतलब लोगो बनाने तो छोड़ दीजिए, एनालिसिस करने में भी बहुत इश्यूज आते, वो सही है कि नहीं ये भी मालूम नहीं पड़ता है। तो इसमें ना आपको एनालिसिस में बात क्या करना है, बोलना क्या है, ताकि कस्टमर आपको पेमेंट दे, ये सिखाने वाले हम लोग। हमको आपको ये पता चल जाए कि ऐसा देखा तो ये लाइन बोलेंगे ना, तो 100% पेमेंट आ जाएगा। तो वी विल मेक यू, पेमेंट से पहले हम खुद सीख तो ले, मतलब पैसा तो देखे, अगर आप साइंस आपको अच्छा से आ जाएगा तो पैसा अपने आप घुमा के, मेरा ही मानना है। और हम अगर क्लाइंट को रिजल्ट देगा तो अपने आप वो पैसा देगा ही देगा, जो आप पहले ही बोल दिए। हाँ, तो आपने खाली क्या करना है, वो एनालिसिस अच्छा करना है, फिर पेमेंट देता है पैसा, है ना? आप उसकी ताकत, एनालिसिस की ताकत हर जगह पे, डायग्नोसिस पक्का करेंगे ना, तो 101% यू विल गेट पेड। तो इससे हम लोग लोगो बना पाएंगे फिर 100% यू विल बी एबल टू मेक द लोगोस। लोगो बना पाओगे, लेकिन आप डिजाइन नहीं कर पाओगे, वो सॉफ्टवेयर पे डिजाइन होगा। वो तो ठीक है, हम क्यों डिजाइन करेंगे, बस आप उसको मेरा बता, तो काम है कि बताना। हाँ, उसको बताना है कि ऐसा करो, वैसा रखो, वैसा रखो, वैसा रखो, दैट लॉजिक हैज टू बी। ओके, यस, नरेंद्र जी बोलिए, आपको बोलना है कुछ? अरोरा जी, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बस मैं सर यही कह रहा था, जो अभी विशाल जी बोल रहे थे, जो आपकी बुक पढ़ी मैंने भी, and I went through all the logos, मैंने भी खैर अभी एक numerologist से किया था, advanced numerologist, उनमें भी logo designing और वो सब, but जैसा आप बता रहे हैं या आपकी book बता रही है, so that is more आपने book पढ़ा, काफी चीज, काफी हाँ, मैं एक बात, आपने जो book पढ़ा और आपने जो पैसा देके सीखा, आपने book पढ़ा और आपने बाद में पैसा देके सीखा, उसमें कितना gap था knowledge में, देखा जाए तो बुक का नॉलेज, नरेंद्र जी नॉलेज में गैप काफी था, वही तो बात बोल रहा हूं, जिस हिसाब से आपने मींस द जो मैटर था पढ़ने का, एंड द वे यू हैव डिस्क्राइब्ड ऑल द लोगोस, भूषण स्टील का, क्योंकि मैं आई एम बीइंग इन दिस लाइन, मैकेनिकल लाइन में, तो भूषण स्टील से आई वाज अवेयर्ड कि भी क्या-क्या हुआ था उनके साथ, तो आई वेंट थ्रू द ऑल द भूषण स्टील एंड टाटा का भी आपने डिस्क्राइब किया आपने, देखो सो वो बहुत मतलब
साइंटिफिक आई थिंक से कि मैं तो बड़ा लॉजिकल सारा मैटर था सारा का सर वो आई वाज रियली मींस जैसे कहते हैं ना बिल्कुल आपकी बातों के ऊपर फिदा हो जाता ना आदमी दैट वाज द केस मजा आ गया बेसिकली उसको बोलते मजा आ गया तो ये आपको ना हमें यही सिखाने वाले है कि सोचना कैसे होता रिजल्ट कहां से आता है एनालिसिस कैसे करना है जी जी है ना और आप तो देखो नरेंद्र जी आपके लिए ये गोल्डन ये है मतलब पॉइंट है क्योंकि इसके बाद मैं सेम कोर्स में वापस से करूंगा कि नहीं मुझको नहीं पता क्योंकि मुझको पता है इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि मैंने 40-50 लाख रुपए सिर्फ इस साइंस के भरोसे इस एक टॉपिक के लेके पिछले 3 साल में कमाया है ठीक है okay. बहुत ताकत है मुझको पता है मैं बहुत चीप में बहुत सस्ते भाव में ऐसे मतलब माती मोल में ऑफर करो ये भी मुझे को पता है लेकिन इच्छा एक ही है कि नाम हो जाए आप सबका और मेरा दोनों का तो ये गोल्डन चांस है इसके बाद मैं ये चांस आपको वापस दूंगा कि नहीं इसी रेट में या इसी स्टाइल में क्योंकि तब मेरे पास सक्सेस स्टोरीज रहेंगे दिखाने के लिए कि देखो इन लोगों ने सीखा और इन लोगों ने पैसे कमाए और ये लोगों के पास खुद के टेस्टिमोनियल कि इनका लोगो काम करता है ना तो पहली बार मैं सिखा रहा हूँ लोगो डिजाइनिंग अब तक मैंने डिजाइनिंग नहीं सिखा एनालिसिस मैंने कई बार सिखाया डिजाइन में पहली बार सिखाने वाला हूँ और दिस विल बी द फर्स्ट टाइम एट सच अ लो कॉस्ट इसके बाद शायद मेरे को जरूरत भी ना पड़े क्योंकि अगर 10 लोग मार्केट में घूम रहे हैं मेरे लोगो डिजाइनिंग के लिए तो उनके साथ मिलके जुलके काम करते करते तो प्लेंटी ऑफ वर्क रहेगा सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहेगी है ना और आपका क्या बहुत अच्छा बिजनेस कनेक्ट है नरेंद्र जी आपका बहुत अच्छा बिजनेस कनेक्ट है आपके पास बहुत लोग ऑलरेडी है तो आपने खाली एनालिसिस अच्छा कर लिए तो भी आपका काम होगा आपको ना लोगो डिजाइनिंग का सेटअप डालने की जरूरत है हमारा ऑफिस है वहाँ पे आप ऑफिस में फोन कर दो और बोल दो कि ये लोगो बनाना है और आप कार्ड भी भेजेंगे तो आपको आरएनडी की आरएनडी करने की जरूरत नहीं आरएनडी भी हमारा ऑफिस कर ले मतलब वो लेवल पे सपोर्ट मिल जाएगा आपको है ना तो बिकॉज़ यू आर यू नो आई आल्सो वर्क इन द सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्री ना दैट्स व्हाई आई नो तो पुणे के जो टॉप के लोग है जो लोहे में काम करते हैं आइदर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फैब्रिकेटर्स उनसे मैंने काम किया हुआ है उनका लोगो मैंने बनाया ओके ओके दैट्स व्हाई आई वाज सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस उनके उनके प्रॉब्लम्स तो मैं ऐसे आंखें बंद करके बता दूंगा कि अगर मैन्युफैक्चर का ये कलर का लोगो इस तरह है और यहाँ पे प्लेसमेंट है तो ये प्रॉब्लम उनको पक्का जा रहा है चलिए ठीक है सर थैंक यू नरेंद्र जी आपके फील्ड के में प्रॉब्लम बताता हूँ आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मनी का स्टक होना फाइनेंशियली लोग क्या होता है उनका वसूली नहीं हो पाता है सेकंड प्रॉब्लम होता है आपके बिजनेस में का जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है और लोन्स बढ़ते जाते हैं लोगों के थर्ड है जो इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है कितना भी काम करो आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता है ठीक है तो ये मेजर प्रॉब्लम आपको सभी कार्ड्स में सिमिलर तरीके से दिखाई देंगे ऐसे हर एक फील्ड का ना कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स होते हैं आपको खाली देखना है कि वो प्लेसमेंट वहां पे है क्या जैसे मैंने सिखाया आपको है तो खाली एक ही लाइन बोलना है यही लाइन बोलना है इंस्टेबिलिटी है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है आपका लोन अमाउंट बढ़ते जा रहा है आपका वसूली नहीं हो रहा है बस ये 3 प्रॉब्लम बताओ अगर कार्ड में दिख रहे तो पैसा मिल जाएगा अगर ये 3 प्रॉब्लम नहीं आपके कार्ड में तो फिर चौथा प्रॉब्लम ढूंढना है आपको वो भी डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट वो भी आप बोल पाओगे पर मैंने बराबर पकड़ा ना राइट हाँ तो ऐसे हर एक फील्ड के ना कुछ टिपिकल प्रॉब्लम आप कोई भी प्रॉब्लम ले लो जैसे एक टिपिकल प्रॉब्लम होता है उसको पकड़ लो देखो कार्ड में दिख रहा है क्या कार्ड में दिखता है जैसे मैंने सिखाया कुछ लॉजिक नहीं लगाना है जैसे बोला है वैसे बोलो और जैसे सिखाया वैसे यूज करो आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है कार्ड को एनालिसिस करते समय लॉजिक कब लगाना पड़ेगा आपको जब आपको डिजाइन करना है तब राइट तो काम तो आपको पक्का मिलेगा लेकिन क्या आपका काम सामने वालों को फायदा देगा नहीं देगा वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप स्टडी कर रहे हो साइंस का एग्जैक्टली राइट थैंक यू चलिए I'll try my best कि मैं आपको join करूं definitely अभी क्या एक ही दिन तो बचा है कल परसों तो चालू हो जाएगा क्लास actually issue ये हो रहा है कि मेरे ना एक advanced numerology के मेरी classes हैं अभी coming week में वो timings coincide कर रहे हैं अभी वो बंद करो आपको इसमें से ज़्यादा पैसा मिलेगा ये guarantee है आप कल से अपना दुकान डाल सकते हो ये सीखने का जैसे एक कोर्स खत्म हो जाएगा यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग द सी लोगों के लिए हमेशा पैसा ज्यादा मिलता है न्यूमरोलॉजी के लिए स्ट्रगल है बहुत ज्यादा लोगों में पैसा अच्छा मिलता है राइट
वो मैं देख ही रहा हूँ सर। और चार्ट बनाने की जरूरत नहीं, कुछ करने खाली देखो, 3 सेकंड के अंदर आपका एनालिसिस होता है आपको। हाँ, और जनरलाइज एनालिसिस नहीं होता है, पिन पॉइंट एनालिसिस होता है, पिन पॉइंट। ओके, गो फॉर दिस, यू नो, अगर वो डेट क्लैश हो रहा है ना, क्योंकि ये एडवांस न्यूमरोलॉजी तो 100 लोग सिखाएंगे, लेकिन एडवांस साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग खाली एक आदमी सिखा रहा है। ठीक है, चलिए मैं ट्राई कर, कल I'll talk to your आपके स्टाफ के साथ and I'll get in touch। या तो नंबर आपके पास होगा तो जस्ट कनेक्टेड। हाँ जी ओके, यस विकास जी, आपका क्या क्वेश्चन है? तो आपको समझ रहा है ना कितना ताकत है इसमें, यू नो, आपने बुक नहीं पढ़ा है, इन लोगों ने पढ़ा है, तो इन लोगों ने जो हाँ मेरा बुक भी है, आप पढ़ सकते हो। इनके बारे में एक सुना था, अदिति सुराना हाँ, उसका क्या? उनके साथ एक्चुअली महावास्तु में काम किया था उनको, तो ग्राफोलॉजी करके नाम वहाँ पे सुना हुआ, अल्ट्रासाउंड सिग्नेचर एनालिसिस एक दो वास्तु के कोर्सेज में बताया था, बस बाकी इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं। तो बाकी लोग जो 50,000 रुपया देके सिखाने वाले है, वो हमारे बुक में 300 रुपए में आपको मिल जाएगा। अच्छा, नहीं, इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, तो एक्चुअली ऐसे फेसबुक पे आया था, तो मैंने रिक्वेस्ट डाला था। ये बुक जिनको चाहिए, ईबुक अवेलेबल है किंडल में, अमेज़न किंडल, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर आपको मेरा जो मतलब, चलो यू विल गेट इट फ्रॉम माय इंस्टा मोजो एज वेल, वहाँ पे भी लिस्टेड है बुक, अपना अमेज़न पे भी है ईबुक लिस्टेड है किंडल, तो वहां से भी मिल जाएगा। पर बुक में आपको क्या एनालिसिस आ जाएगा, आपको जो रिजल्ट है चेंज करना है वो नहीं आएगा, इसके लिए आपको क्लास करना पड़ेगा। सर, हार्ड कॉपी उसका कब आ रहा है? हार्ड कॉपी अगले महीने में आएगा, बिकॉज वी आर जस्ट बिजी, उसका काफी सारा फॉर्मेटिंग चेंज कर रहे हैं, प्रिंटिंग के लिए थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं हम लोग, वी आर ट्राइंग टू लॉन्च अ डिफरेंट काइंड ऑफ कवर एज वेल, तो नेक्स्ट मंथ में द हार्ड कॉपी विल बी अवेलेबल, पेपरबैक मिल जाएगा नेक्स्ट महीने आपको सबको। उसके साथ और दो बुक पे हम भी लिख रहे हैं, एक है रिस्टवॉच एनालिसिस, ये भी दुनिया में एक ही इंसान सिखाता है, सुधीर को, तो रिस्टवॉच एनालिसिस है, तो उसका भी बुक लिख रहे हैं, और ग्राफोलॉजी का भी बुक लिखना चालू कर चुके हैं हम लोग, तो दो बुक मिल जाएंगे जून मई जून तक, नेक्स्ट बोथ द बुक्स विल बी अवेलेबल। और कुछ प्रश्न किसी के? तो देखो, अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर आप मिस करते हो तो आपका यू आर बैड। थैंक यू वीरेन। यस शिवा, आपका हाथ हमेशा ऊपर है, कुछ पूछना है आपको? नहीं नहीं वीरेन भाई, ऐसी बात नहीं है, थैंक यू वेरी मच। इट्स अबाउट दी एक्सपीरियंस, नो, मैंने काम इतना किया है ना, तो अनुभव बोलता है। जैसे तेंदुलकर अच्छा क्रिकेट क्यों खेल पाता है, क्योंकि उसका उतना प्रैक्टिस है, उतना समय उसने उस फील्ड में डाला है, दैट्स वाई ही हैज अ कॉन्फिडेंस एंड दैट इज वाई ही प्लेज सो वेल। यही है, बाकी कुछ नहीं। सी, मैं भी, मेरे में आपके फर्क इतना ही है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से इस फील्ड में इसी तरह से काम कर रहा हूँ, और अनुभव है, हर एक अच्छा बुरा मैंने देखा हुआ है, एंड दैट इज वाई द कॉन्फिडेंस इज देयर। अगर काम नहीं किया है तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, काम किया है इसके लिए मैं इतना बोल्डली बता पूरा बोल्ड क्लेम्स कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो दैट वी आर गोइंग टू डिलीवर इट। और नॉलेज तो खैर भगवान की देन है, यू नो, आई डोंट नो हाउ इट केम, बट दिस केम, इट केम, यू नो, स्पेशली विद द रिस्ट वॉच एंड विद द लोगोज, आई एम लकी, आई वॉज जस्ट देयर एंड आ गया, है ना, आ गया। चलो ग्रेट। और किसी का आपको प्राइसिंग पता है? आपको आप में से कितने लोगों को करने की इच्छा है अभी राइट नाउ? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू इट? कैन रिस्ट वॉच गिव द सेम रिजल्ट्स एज अ लोगो? नहीं, रिस्ट वॉच के रिजल्ट बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पे है। ये जो है ये कंपनी के लेवल पे आपको मदद करता है। कंपनी आपके साथ जो क्लाइंट का इंटरेक्शन होगा, आपके कंपनी के अंदर जो क्लाइंट आएगा, आपके अंदर जो एम्प्लॉय आएगा, वो सभी लोगों जो के लिए लोगो इफेक्ट करता है।
आपको जिस तरह का काम आने वाला है। रिस्ट वॉच बड़ा इंडिविजुअल लेवल पे हो जाता है, आपका आपके साथ क्या होगा, आपके घर घर में क्या होगा, आपको आपके साथ बाहर क्या होगा, वो सब ना रिस्ट वॉच डिफेंड करता है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन एकता, तो यू नो हाउ टू पे, यू यू नो यू गेट इन टच, यू नो हाउ टू डू इट। व्हाट अबाउट विकास, शिवा? यस विशाल, व्हाट इज द फी सर? फीस इज 25,000 रुपीज। इसमें आपको एक लोगो हम बना के दे देंगे, जो भी आप हमको काम दोगे, है ना, उसमें आपको आरएनडी भी करने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉरवर्ड द लोगो की सर ये लोगो बना के दो, तो हम बना के देंगे। और एक लोगो में आपको असिस्ट करेंगे, आपको समझाएंगे कि सूचना कैसे है, उसका ये कैसे देना है, उसका मतलब सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करना है उसको, ताकि आप ना काम कर पाओ बेसिकली। आप काम अच्छा करोगे ना तो मेरे पास आगे जाके और स्टूडेंट्स आएंगे। I want you to be my visiting card. Always remember. I don't want to print any visiting card. Discount में क्या आप discount नहीं मिल पाएगा क्योंकि already discounted course है। मेरे हिसाब से ये course जो है वो 1,00,000 रुपीज का है। कम से कम 1,00,000 रुपया लोगों ने pay करना चाहिए, क्योंकि आप एक भी logo आप अगर बनाते हो तो आपको पैसा वसूल हो जाता है ना। तो knowledge plus assistant plus future business opportunity, इनका calculation करो तो ये course minimum 1-2 lakh रुपए का होना चाहिए, है ना। पर हम लोग इसमें कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ स्टार्ट, वी वांट यू टू लर्न, वी वांट वर्ल्ड टू हैव अ टेस्ट ऑफ इट, उनको पता चले कि क्या ताकत है, कितना रिजल्ट दे सकते हैं ये सब चीजें, एंड देन विल इंक्रीज द प्राइस। क्योंकि उसमें देखो एस्ट्रोलॉजी की भी बात करने वाले हैं, वास्तु की बात करने वाले हैं, सैक्रेड ज्योमेट्री की बात करने वाले, ग्राफोलॉजी की बात होने वाली है। इसमें हर एक साइंस को आप इंडिविजुअली सीखते हो तो आपको इतना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर इतने सारे साइंस को इंडिविजुअली सीखने जाओगे ना तो आपको 2500 रुपए एक एक साइंस को देने पड़ेंगे। हम सभी को टच करके उसमें का जो अर्क है वो आपको देने वाले हैं। ओके, और कुछ किसी को प्रश्न है? राहुल, सचिन? तो ये बहुत ही हैंडसम टूल है, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्र, वास्तु वाले, वास्तु एक्सपर्ट्स के लिए एक्स्ट्रा पैसा कमाने का। क्योंकि जब आप किसी इंसान का लोगो एनालिसिस करोगे ना तो वो इंसान आपके पास आ जाता है, नज़दीक आ जाता है, आपका उसके साथ जो दोस्ती है ना वो बहुत बढ़ जाता है, और वो आपको हर तरह का काम देने के लिए रेडी होता है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो उसी आदमी से आपको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज मतलब काम आ जाएगा, और आप अगर वास्तु वाले हो तो वास्तु का भी काम उसमें से आपको जनरेट हो जाएगा। अगर लोगों का काम नहीं मिलता तो वास्तु का काम तो पक्का मिल जाएगा। इट्स लाइक the moment you analyze the logo, people will give crazy for it. Okay? और कुछ मैं आपको इसमें ना ये चीजें भी बताऊंगा कि आपको काम कैसे जनरेट करना है। अगर आपको लगता है कि आपको काम कैसे जनरेट करना है, काम कहाँ कहाँ से आपको आ सकता है। प्राइस ऑफ बुक इज मियर 300 रुपीज फॉर 299 बेसिकली फॉर ई बुक। वो अमेजोन पे मिल जाएगा, किंडल पे, नहीं तो फिर मेरा इंस्टा मुझे वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। इंस्टा मुझे सुधीर को डालेंगे तो आपको ई बुक लिस्ट हो जाएगा उसमें। तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ट्रिक्स क्या है, कि इस फील्ड में अगर आपको ज़्यादा काम चाहिए तो कौन कौन से मीडियम से आप लोगो डिज़ाइन का ज़्यादा काम ले सकते, जो मेरे हिसाब से विशाल जी को नहीं सिखाया गया कि किस तरह से उन्होंने बिजनेस को अप्रोच करना चाहिए। राइट और रॉन्ग विशाल? कि आपको ये सिखाया गया कि किस तरह से आप लोगों का काम कर पाओगे, लोगो डिजाइनिंग के लिए मार्केट में जाना। सर वी गेट द नोट्स फ्रॉम दिस कोर्स? नो, ये बहुत कंसेप्चुअल क्लास है, आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको नोट्स लिखना पड़ेगा, आपको ई बुक मिल जाएगा। नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको लिखना पड़ेगा पूरा, और आपको वीडियोज रहेंगे, उसका एक्सेस रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो इसमें ये भी आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आपने अप्रोच रखना है ताकि आपको मार्केट से काम मिले, है ना। वो बहुत सरल तरीका है, मैंने ढूंढ के निकाला है, तो आई विल बी शेयरिंग दोज नोट्स, हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू गेट द वर्क फ्रॉम द मार्केट। क्या लगता है आपको, कितने लोगों को एक्साइटमेंट है इस चीज को लेकर कि ये भी सीखने को मिलेगा कि काम कैसे, स्पेशली शिवा फॉर यू, कैन यू अनम्यूट, दिस इज फॉर यू शिवा। यस सर। मार्केट से काम कैसे मिलेगा आपको, ये भी सिखाएंगे। कैसे लग रहा है अभी बताओ? अच्छा लग रहा है सर।
मतलब हाउ टू अप्रोच, हाउ टू गो इन टू द मार्केट सो दैट यू गेट द वर्क ऑफ लोगो, मे बी 50,000, मे बी 25,000, मे बी 1 lakh रुपीज. आर यू गेटिंग इट? यस सर. हाँ, और देखो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम मार्केट में जा रहे हो, काम ले रहे हो ना, तो अगर तुम्हारे पास काम आते तो हम हमेशा साथ में तुम्हारे वो काम डिलीवर करने के लिए, इनकेस यू आर नॉट गेटिंग गुड डिजाइनर, इनकेस यू आर गेटिंग स्टक विद द एनालिसिस, इनकेस यू आर गेटिंग स्टक विद द लॉजिक, वो भी हमारा पूरा सपोर्ट सिस्टम तुम्हारे साथ है वो काम डिलीवर करने के लिए. अब बोलो, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, वेरी गुड. तो ये परफेक्ट बिजनेस मॉडल हमने बनाया है, एंड वी वॉन्ट यू गाइज टू सक्सेस देयर, यू नो, इफ यू सक्सेस, you succeed, that is the way I am going to succeed more. Okay, name of the book is Million Dollar Logo. That is the name of the book, Million Dollar Logo. Let me show you the photo as well. ye upar hi rahega kahin, tabhi this is the इस तरह से दिख